हैप्पी मदर्स डे। आज मदर्स डे के मौके पर दोस्तों सभी माओं को मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आज हम बनाएंगे होममेड आटा बिस्किट्स विदाउट ओवन। तो दोस्तों मदर्स डे की स्पेशल रेसिपी है, तो चलिए बनाते हैं। और ये वीडियो आपका अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बनाते हैं। दोस्तों एक बाउल लेंगे, बाउल में हाफ कप ऑयल लेंगे, हाफ कप मतलब 125 ml ऑयल। उसमें हाफ कप पाउडर शुगर 125 ग्राम के करीब, इसको हम ग्राइंडर में मिक्स किया हुआ है, उसको अच्छे से 5 मिनट तक मिलाइए। दोस्तों याद रखिए, आप अगर 5 मिनट तक नहीं मिलाएंगे ये बिस्किट्स उतना स्मूथ नहीं बनेंगे। 5 मिनट अच्छे से मिलाते रहिए। देखिए इस कॉन्सेंट्रेटी में आपको 5 मिनट के बाद हाफ कप बेसन 125 ग्राम के करीब बेसन आपको डाल के और एक 5 मिनट अच्छे से मिलाना है। दोस्तों ये टिप्स ज़रूर फॉलो कीजिए, अगर कुछ भी आप यहाँ पे फॉलो नहीं करते हैं तो आपका ये रेसिपी ख़राब हो सकता है। उसको अच्छे से 5 मिनट तक मिलाइए। दोस्तों देखिए ये अब सही बैटर तैयार है। अब 5 मिनट के बाद 1 कप आटा लेंगे, 10 ग्राम आटे को हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल के अच्छे से मिलाएंगे 5 मिनट के लिए। पूरा आटा इसमें मिलना चाहिए दोस्तों। देखिए ऐसे होने के बाद बाकी बचा हुआ आटा को हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे दोस्तों 5 मिनट के लिए। अच्छे से मिलाते रहिए दोस्तों। देखिए इस तरह का से इस मिश्रण जब बनेगा, ऐसा मिश्रण जब तैयार हो जाएगा इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दीजिए। डाल के दोस्तों इसको अच्छे से एक नरम डो तैयार कर लीजिए। देखिए इस तरह का सा डो तैयार होगा दोस्तों। देखिए नरम है। अब एक प्रेशर कुकर को प्रीहीट करेंगे दोस्तों। प्रीहीट मतलब ऊपर का जो विसिल है निकाल के इसको गर्म करेंगे 10 मिनट के लिए। उसके बाद आटे को जो मिश्रण है उसको छोटा छोटा बाउल लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा बाउल लेके उसको आप कोई भी शेप दे सकते हो, आप कोई भी शेप दे सकते हो दोस्तों। ऐसे शेप गोला आकार के शेप दे दीजिए। ऐसे ही पूरा बिस्किट आप तैयार कर लीजिए। आप अगर आपके पास काजू है उसके ऊपर काजू रख दीजिए अच्छे से, तो दबा दीजिए अच्छे से। उसके बाद जो हम 10 मिनट के लिए गर्म किए थे प्रेशर कुकर, उसमें एक ऐसा वाला छोटे कटोरी अगर होगा आपके पास उसके अंदर रख दीजिए। उसके ऊपर उस बिस्किट को 40 मिनट के लिए हम लोग इसको बेक करेंगे लो फ्लेम में। दोस्तों 40 मिनट के लिए बेक करेंगे, इसको ढक्कन लगा दीजिए और ऊपर का नीड निकाल दीजिए। दोस्तों 40 मिनट के बाद आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन याद रखिए दोस्तों, 40 मिनट के बाद जब गैस बंद करेंगे थोड़ा ठंडा होने दो, उसके बाद निकालिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बाजू वाला बेल आइकन जरूर दबाइए।